दिनांक 27 अप्रैल से मुनई प्रवास के कारण 6 ढाला पर प्रवचन नहीं हुए। 5 मई 2009 को 6 ढाला प्रवचन क्रमांक 41 सुनिए। चौथी ढाल प्रवचन क्रमांक 6। जय श्री ओम नमः सिद्धेव्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन को स्वरूप जान राधते भई जो भक्ति काया को नामाय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ईसा काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम पंडित प्रवर दौलत राम जी की आध्यात्मिक रचना छह ढाला शास्त्र का टीका सहित स्वाध्याय यहाँ अपन ने प्रारंभ किया है। उसकी चौथी ढाल का शायद पांचवा छंद अपन पढ़ रहे थे। कौन सा था? हाँ, पांचवा हुआ, छठवा। बीच में 8 दिन का गैप पड़ा, फिर और बहुत दिन का पड़ जाएगा। बहुत सुंदर छंद है ये। छठवां छंद अपन पढ़ते हैं, पाठ करें उसका, फिर उस पर विचार करेंगे। ये हिंदी टीका में पेज नंबर 100 पर है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो दिन वाणी विधि कहे न मिले सुमण यो उदधि समान। ताते, ताते का क्या मतलब है? इसलिए, किस लिए? इसलिए तो ठीक है, पर इसलिए मैं पूछा जाए कि किस लिए, उसका जवाब पांचवें छंद में है। क्योंकि अनंत बार मुनिव्रत धारण करके ग्रीवयज्ञ जाने पर भी आत्मज्ञान के बिना इस जीव को लेश मात्र भी सुख नहीं मिला, इसलिए में आया। यहां से लिंक है उसको। ताते में उन्होंने पूरे पांचवें छंद को रिपीट किया है, दोबारा उसको उसमें भर ली। जैसे दूसरी डाल में है ना, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, तो ऐसे माने कैसे कि जैसे पहली डाल में 4 गति के दुख जीव ने भोगे, ऐसे सब दुख मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण ये जीव भोगता है। वो एक शब्द में इसलिए तो कहते, 6 डाला में गागर में सागर भरने की अद्भुत क्षमता है। अनंत अनंत बार गुरुदेव का तो ये महामंत्र है, उनको बहुत याद आती है इसकी। पहले मैंने बहुत कहा बसंत भाई इस बारे में, पांचवें छंद पे बहुत चर्चा हो चुकी 2-3 दिन, कि इसमें दूसरों का वर्तमान काल नहीं देखना है, अपना भूतकाल देखना है। अपन ने अनंत बार मंद कसाय करके 9वें ग्रीवक भी ये जीव अनंत बार गया, पर मैं ज्ञायक शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसी स्वानुभूति के बिना, आत्मा के अवलंबन के बिना, आत्मा को जाने बिना लेश मात्र भी सुख नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ। तब क्या करें? मुनिव्रत धारण करें कि नहीं करें?
कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे, इसलिए बाह्य क्रिया में धर्म है नहीं, स्वभाव में धर्म है नहीं, पराश्रित परिणाम में धर्म है नहीं, मुक्ति का मार्ग है नहीं। एक स्वरूप के अवलंबन से स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और आचरण वही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ अरंत देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है वैसा तत्व अभ्यास करीजिए। वो आत्मज्ञान होना यही तत्व अभ्यास, अथवा तत्व अभ्यास से ही आत्मज्ञान होता है। पहले आत्मज्ञान की बात की ना कि आत्मज्ञान बिना सुख ले न पाए, इसलिए तत्व अभ्यास होना तो चाहिए। ताते आत्मज्ञान करीजिए ऐसा लिखना चाहिए था, समझ में आया। आत्मज्ञान के बिना जीव को लेस भी सुख नहीं मिला तो आत्मज्ञान करो। हाँ, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला, वो चाहते तो काव्य वैसा भी बना सकते थे, हैं? लेकिन उन्होंने तत्व अभ्यास की बात की है क्योंकि तत्व अभ्यास ही आत्मज्ञान का एकमात्र कारण है। अब गुरुदेव की शैली में तो इस ऐसे प्रसंगों में करोड़ों रुपया दान करे, मंदिर बनावे, तीर्थ यात्रा करे, ऐसा करे वैसा करे, पर लेस मात्र भी उसमें धर्म नहीं है। तो तत्व अभ्यास ही आत्मज्ञान का मार्ग है और आत्मज्ञान वो मुक्ति का मार्ग। ये बात सब थोड़ी थोड़ी तो हो चुकी थी पिछली बार जब अपन ने चर्चा की थी उसमें एक बात खास आई थी, तत्व अभ्यास किसे कहते हैं, शास्त्र अभ्यास में और तत्व अभ्यास में क्या अंतर है। शास्त्र अभ्यास भी तत्व अभ्यास का निमित्त है, परंतु शास्त्र ज्ञान मात्र वो तत्व अभ्यास नहीं है। क्योंकि जिस मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीव कुफजायो वाले की बात की है उसको ग्यारह अंग नौ पूर्व का अभ्यास भी होता है। अभ्यास तो क्या पढ़ पढ़ के तो होता नहीं है, उसके तप के प्रभाव से इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है जिसके निमित्त से ज्ञानावरण का विशेष क्षयोपशम हो जाता है और वो क्षयोपशम में उसको ग्यारह अंग नौ पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाता है। कोई स्कूल में पढ़ के कि क्लास लगा करके ऐसा अभ्यास करके वो होता नहीं है। अंग पूर्वों का ज्ञान जो है वो विशेष क्षयोपशम से होता है। आपको याद होगा टोडरमल जी साहब ने पांच लब्धि का प्रकरण जहां चालू किया है तो कोई विशुद्धि का कारण पाकर के तत्व निर्णय कर सके ऐसा ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम। समझ में आया, यानी विशुद्धि वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम में निमित्त बनती है। हाँ, लेकिन अब क्षयोपशम होने पर जीव तत्वाभ्यास करे भी और नहीं भी करे, मोह का तीव्र उदय होवे तो वो क्षयोपशम को प्रयोजनभूत तत्व में नहीं लगा रहे, वो अप्रयोजनभूत तत्वों में, हिंसा कारक में, बम बनाने में, कंप्यूटर बनाने में, मोबाइल बनाने में, मिसाइल बनाने में, समझे, ऐसे भौतिक सुख सुविधाओं के उस जाति का क्षयोपशम हो गए, तत्व निर्णय करने लायक क्षयोपशम हो गए नहीं। ये बात भाई चौथे अध्याय में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप जो है टोडरमल जी का बहुत बढ़िया प्रकरण है। मेरा विचार तो इस साल उसको तीन दिन का शिविर लगता ना अमेरिका में, वहां लेने का है मिथ्या ज्ञान का प्रकरण। उसमें ऐसा है कि अगर विशुद्धि होगी या मोह मंद होगा तो प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय में उपयोग लगाएगा, और मोह का उदय तीव्र होगा तो विषय कसाय के निमित्तों में क्षयोपशम को लगाएगा, उपयोग उधर लगाएगा। है, और वास्तव में देखा जाए तो एक एक समय की पर्याय का गेज नक्की है। समझिए, अति परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो कौन से ज्ञान, योग्यता सामान्य अलग चीज है, योग्यता विशेष अलग चीज है। योग्यता सामान्य माने ये कि संगी पंचेंद्री हुआ है तो तत्व निर्णय करने लायक सामर्थ्य उसको प्रकट हो गई, ये कॉमन बात है। समझ में आया, शेर को, गाय को, सुअर को, भैंस को, गधे को, घोड़े को, दीपक सबको, मनुष्य को, देव को, नारकी को, त्रेंच को, सब चारों गति में संगी पंचेंद्री जीव को प्रयोजन भूत माने जीव अजीव आश्रव बन संबंध निरा मोक्ष, ये सात तत्व का निर्णय करने की सामर्थ्य प्रकट हो गई। मगर ये सामान्य कथन है,
विशेष कथन में एक एक समय की ज्ञान पर्याय में नक्की है कि वो किस को गेय बनाए, तो एक एक समय का नक्की है। तो जिसका स्वगेय बनना होता है उसको मोह की मन्यता भी होती है, आत्महित की वांछा होती है, आत्महित की लगन होती है, और उसका ज्ञान साथ प्रयोजन भूत तत्व का निर्णय करता है। उसमें मोह की मंदता से उसको आत्मा की महिमा का रस परिपाक होता है, और स्वरूप का विचार करते करते महिमा बढ़ाते बढ़ाते बढ़ते बढ़ते सहज उपयोग स्व सन्मुख होकर के मोह का उपशम हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिया टोडरमल जी ने, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में प्रथम स्व पर का भेद का विचार करे, पश्चात मात्र स्व का विचार करे, तत्पश्चात स्वरूप का भी विचार छूट जाए और अनुभव मात्र रह जाए। लालचंद भाई बहुत कहते थे प्रथम पश्चात तत्पश्चात, जयपुर में आते थे ऐसा तीन बोल लिया करते, प्रथम पश्चात तत्पश्चात। कब करेगा? उसमें दोनों बात है, विशुद्धि यानी विशुद्धि माने आत्महित की लगन, उसको विशुद्धि कहते। अपन सोचते हैं रात्रि में पानी नहीं पीता है ये कोई सम्यक्त के लायक विशुद्धि नहीं है, तो मुनिव्रत धारण किया तो भी सम्यक्त के लायक विशुद्धि नहीं हुई तो पानी नहीं पीने की कौन सी बात। इसका ये मतलब नहीं है कि पानी पीना अच्छी बात है और उससे सम्यक्त हो जाएगा। समझ में आया? स्वच्छंद होने की गुंजाइश नहीं है, पीता है तो दोष है, दोष को दोष जाने ये आत्मार्थी का लक्षण है। ठीक है, अरे मुनिव्रत धारण किया तो भी उसको विशुद्धि लगभग मानी जाए कि नहीं मानी जाए, है विशुद्ध परिणाम है, पर सम्यक्त के लिए जिसको विशुद्धि कहते हैं वो नहीं है। विशुद्धि लब्धि माने आत्मा को जानने की धगस, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। सम्यक्त के लिए लब्धि माने प्राप्ति, किसकी प्राप्ति करना है तो सम्यक्त की, तो लब्धि सब सम्यक्त के एंगल से ही वर्णन होगा ना, सम्यक्त के लायक क्षयोग, सम्यक्त के लायक विशुद्धि, सम्यक दर्शन की देशना। अब देशना भी वैसे तो सामान्य कथन तो ये है कि चारों अनुयोग वीतरागता में निमित्त है, पर ये सामान्य कथन है। पंडित जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग का मूल तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है, अन्य ग्रंथों में से तो विशेष रुचि होवे और निकालने की क्षमता होवे तो निकाले। अब जम्बूद्वीप में हो, भरत क्षेत्र में हो, सात नरक में हो, स्वर्ग में, सीधे वीतरागता कहां से निकले? ये तो सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई बात है, वीतराग सर्वज्ञ देव ने कहा है, तो फिर सर्वज्ञ देव की महिमा आवे, ऐसे उसको इनडायरेक्ट मिले। समझ में आता है? तीन अनुयोग में सीधा नहीं है मोक्ष मार्ग का उपदेश, और द्रव्यानुयोग में भी केवल अध्यात्म ग्रंथों में ही मोक्ष मार्ग का सीधा उपदेश है। तो बात तो अपनी ये चलती है कि विशुद्धि लब्धि माने आत्महित की धगस जीव को होवे तो तत्व विचार में उपयोग लगे, और आत्महित की धगस नहीं होवे उसका मतलब है मोह तीव्र है, भाव मोह तीव्र है, उधर द्रव्य कर्म में दर्शन मोह का उदय वाला मोह तीव्र है। गजब बात, साधु बन के बैठा हो और मोह तीव्र हो, कैसी विचित्र बात है। चारित्र मोह का उदय मंद और दर्शन मोह का उदय तीव्र, बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? दीपक कुमार, चारित्र मोह का उदय मंद क्योंकि पांच महाव्रत पालता है, विषय कषाय में उपयोग नहीं लगा रहे। समझ में आया? लेकिन दर्शन मोह का उदय तीव्र के प्रयोजन भूत तत्व के बारे में विपरीत धारणा, और ये महाव्रत आदि की क्रिया मैं पालता हूं ऐसा अग्रहित मिथ्यात को दृढ़ करता है। गरीब मिथ्यात तो नहीं होता है द्रविलिंगी को, गरीब मिथ्यात हो गए तो देवलिंगी भी नहीं है, पर अग्रहित मिथ्यात में तीव्रता है। ऐसे तो गरीब मिथ्यात तीव्र होता है, ये अग्रहित मंद कहा जाता है, अकेला अग्रहित हो गए पर उसको दृढ़ करता है। समझ में आया? ऐसी गजब की बात है। तो तत्व अभ्यास करिए का मतलब अकेले शास्त्र अभ्यास नहीं, लेकिन शास्त्र अभ्यास के बिना तत्व अभ्यास होता नहीं। शास्त्र अभ्यास हार्डवेयर है तो तत्व अभ्यास सॉफ्टवेयर है, वो कॉन्सेप्ट है। तत्व अभ्यास में क्या सीखना? जगत की प्रत्येक घटना को तत्व दृष्टि से देखना, इसका नाम है तत्व अभ्यास। जैसे कहते जे द्रव्य नहीं, जे काले, जे पर्याय थवानी होवे,
ते द्रव्यनी ते काले तेज पड़ जाए पोतानी योग्यता थी पोताना कारण थी द्रव्य ने आधीन पण नहीं स्वाधीन स्वतंत्र निरपेक्ष थाय छे। ऐसा देखो अब जगत को ऐसा देखो तो गर्मी पड़ती है तो वो पर्याय स्वतंत्र उसकी योग्यता से होती, आकुलता होती है तो वो पर्याय स्वतंत्र उसकी योग्यता से होती है। ऐसा विचार करने वाले को अनंतानंदी आकुलता भी नहीं होगी। जगत में जितने भी प्रसंग बने, अनुकूल बने, प्रतिकूल बने, सुख के बने, दुख के बने, अच्छे बुरे बनते ही है ना, संसार तो इसी का नाम है। तो प्रत्येक पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से उस द्रव्य के कारण होती, निमित्त के कारण नहीं। अभी तो कितना बढ़िया चलता है, आप लोगों ने तो चार दिन से बराबर सुना है 283, 84, 85 गाथा का जो चलता है। विकार का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इससे जीव रागादि का अकर्ता सिद्ध होता है। गजब बात है, बोलो क्या कौन सा पॉइंट है, कहाँ का पॉइंट? अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो आत्मा उपादान से तो आत्मा कर्ता हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब कर्म का उदय निमित्त है, जीव का विकार नैमित्तिक है, तो उपादान तो जीव का हुआ ना, क्षणिक उपादान। पर उसकी पहला सेंटेंस कि जीव तो स्वभाव से तो अकर्ता है ही, समझ में आया? क्योंकि पर के लक्ष्य के बिना विकार नहीं होता, ये जो नियम है पर से विकार होता है ऐसा नहीं, पर के लक्ष्य के बिना विकार नहीं होता, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा स्वयं अकेला विकार नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो विकार का अकर्ता है। अभी मैंने सवेरे तो ये भी विचार किया, अकर्ता क्यों है? विकारी परिणाम का हाँ साक्षात अकर्ता तो भाई अनुभूति में आवे तो साक्षात अकर्ता कहा जाए। एक स्वभाव अकर्ता, एक साक्षात अकर्ता। स्वभाव से अकर्ता तो सभी जीव हैं, पर जिसको अकर्ता पने का अनुभव हुआ, पर लक्ष्य का वो है ना प्रत्याख्यान किया, प्रतिक्रमण किया, निमित्त का प्रतिक्रमण किया, द्रव्य का भाव का, तो वो साक्षात अकर्ता। तो प्रतिक्रमण प्रतिख्यान प्रत्याख्यान माने क्या? निमित्त का लक्ष्य नहीं करना। और लक्ष्य में भी भाई दो बात ख्याल में आई मुझे आज, थोड़ी सूक्ष्म बात है। लक्ष्य दो इस लेवल पर होता है, एक तो ज्ञान के लेवल पर और दूसरे चारित्र के लेवल पर। तो ज्ञान में जानने में आ गया, ख्याल में आया, जानने में आ गया, लेकिन राग द्वेष नहीं हुआ तो उसने निमित्त का प्रत्याख्यान किया। नहीं जानना उसका नाम प्रत्याख्यान नहीं, समझ में आया? मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है या कोई अपशब्द कह रहा है, कोई निंदक अज्ञानी प्राणी तीव्र कसाई जो है मुनिराज के ऊपर, जैसे वो गज कुमार मुनि को सिगड़ी जलाई ना, तो पहले तो खूब उल्टी सीधी गालियां बकी है, बहरा है, सुनता नहीं है, देखता है, तेरे कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज मौका मिला, पाखंडी बन के बैठा है, आज बदला लूंगा, आज बच के कहां जाए, दुनिया भर की कई होंगी, समझ में आया? तो वो ज्ञान का विषय नहीं बनेंगी क्या? बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, दोनों बात हो सकती है। लेकिन अगर मुनिराज जान ले रहे हैं ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है, कह रहा है, तो अब आपको क्या कहना है? हमें कुछ नहीं कहना, उसकी जो परिणति है वो उसके माथे है। नो रिएक्शन, साधु दशा का मतलब है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होना, इसका नाम मुनि है। दुनिया की किसी घटना का कोई रिएक्शन नहीं होना, बाह्य घटनाओं अंदर में भले कर्म का उदय आता है, क्या बोलते सुधा वेदनी होती है तो आहार इत्यादि की इच्छा होती है, जो धर्म के लोग जीवों को उपदेश देते वो कर्म उदय के आदि संजलन कसाय के उदय से, एक बाहर में निंदा प्रशंसा पूजा आराधना बहु उपसर्ग करता प्रत्यर्पण क्रोध नहीं वंदे चक्री तथापि न मले मान, जो इसका नाम है निमित्त का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करना। उसको भला बुरा मानना नहीं, ये तो श्रद्धा की बात हुई, पर उसके प्रति भले बुरे की कोई राग द्वेष के विकल्प भी नहीं होगे, ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, वो साक्षात अकर्ता है, समझ में आया? तो लक्ष्य किया मैंने, अगर उसके प्रति राग द्वेष हुआ इसका अर्थ है वो निमित्त का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं कर पाया, और उसने राग द्वेष करके वो निमित्ताधीन परिणमन हुआ तो वो ही उसका विकारी परिणमन हुआ, वो अप्रत्याख्यान है, अप्रतिक्रमण। ऐसी अजब गजब की बात है, क्या आचार्यों की दृष्टि है। विराट तुमको ख्याल में आया सुबह आए कभी दो चार दिन में 283, 84, 85 कल आना, कल भावार्थ चलेगा, कल भावार्थ चलेगा। गुरुदेव कहते चार दिन से चलता है, वो खुद ही बोलते चार दिन से चलता है,
इतना सूक्ष्म है और इतना मजा आया उनको कि चार दिन से चलता है ये ध्यान तो रखे। चार दिन तक गुरुदेव ने क्यों इसको खींचा, क्या उनको इसमें अद्भुतता दिखी कि निमित्त के और रागादि भाव के और कर्म उदय के निमित्त निमित्त संबंध है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा निमित्त के आश्रय के बिना या निमित्त की तरफ के लक्ष्य के बिना रागादि करने में असमर्थ है, इसका ये अर्थ है। और वो निमित्ताधीन होकर के रागादि रूप परिणमता है, इसका मतलब स्वभाव से रागादि रूप नहीं परिणमता है। अगर स्वभाव से रागादि रूप परिणमन करने की योग्यता उसकी त्रिकाली स्वभाव की होती, क्षणिक की योग्यता तो पर्याय की है, लेकिन वो भी कंडीशन। एक बार जयपुर में पता नहीं कौन सा ऐसा प्रकरण चला तो डॉक्टर साहब ने कंडीशनल योग्यता ऐसा एक नाम निकाला था, कंडीशनल सशर्त योग्यता। ठीक है, आत्मा की पर्याय में क्षणिक योग्यता जानने की ये रागादि रूप परिणमने की है, पर उस जाति का उस अंश में उस स्थिति अनुवाद वाला उस प्रकृति वाला वो प्रकृति का उदय होना चाहिए। वो प्रकृति का उदय होगा और इधर विकार होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं। निमित्त उदय नहीं होवे तो उसका सवाल ही नहीं होगा। वो तो जब सर्वज्ञ ने उसके ज्ञान में रागादि रूप परिणमित होने की योग्यता देखी है तो सर्वज्ञ ने वो उदय भी देखा है। उदय नहीं होगा ऐसा उल्टा सीधा थोड़ी अपसेट थोड़ी देखते सर्वज्ञ भगवान। बात समझ में आती है क्या चलता है? थोड़ा सूक्ष्म जरूर है, है? जहां जहां राग वहां वहां कर्म का उदय, उधर से नहीं इधर से लेना, ऐसा नहीं। क्योंकि उदय होवे और जीव लक्ष्य नहीं करे, ख्याल में आया ना, तो राग नहीं होता। ये तो जैसे ना चार की टीका में 45वीं गाथा में प्रवचन साल में खुला लेता है। जहां जहां उदय एक अपेक्षा से ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि राग हो गए तो ही उसको उदय नाम दिया जाता है। राग नहीं हो गए तो वो उदय नहीं है, वो निर्द्रा है। तो जब राग होने पर ही उदय नाम दिया जाता है ऐसी आपने परिभाषा बना ली तो जहां जहां उदय है वहां वहां राग है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं। पर लोग इसका अर्थ ये समझते हैं कि उदय से राग है, इसलिए वो गुरुदेव उसको मूल में से ही उड़ा दे गुरुदेव को ये बात कभी हजम नहीं हुई। समय सारजी शास्त्र मिलने के पहले भी उन्हें कभी ये बात स्वीकार नहीं हुई गुलाम बाद कि कर्म के उदय के कारण विकार होता है, ये बात उनको कभी स्वीकार नहीं हुई। ऐसी बात है कि इसमें से कहां से आई कि ज्ञान की विशेष योग्यता कि वो तत्व का अभ्यास करे। इसका अर्थ क्या, जिस द्रव्य की जो पर्याय जब होने वाली है प्रत्येक द्रव्य का परिणमन को स्वतंत्र अहेतुक जानना वो भी एक तत्व है, वो भी एक भाव है। इसलिए वो तत्व दृष्टि से जगत को देखना इसका नाम तत्व अभ्यास है। शरीर को देखना इसका नाम भी तत्व अभ्यास। ये शरीर है, ये जड़ पुद्गल का बना हुआ है, मैं इसकी क्रियाओं का कर्ता नहीं हूँ। खांसी चलती है, बुखार आता है, कमजोरी आती है, खाना पीना होता है, विषय भोग भोगना, तो ये सब क्रिया जड़ की क्रिया। ऐसा जानना अनुभव करना इसका नाम तत्व अभ्यास। मैं अपने स्वरूप को भूल कर पर के लक्ष्य से रागादि रूप परिणमता हूँ ऐसा जानना इसका नाम तत्व अभ्यास। ये तो पर्याय की तरफ से अभी बात चलती है, समझ में आया। मैं सकल निरावरण प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अखंड एक है ना, ऊपर लिखा है ना, अखंड एक शाश्वत प्रत्यक्ष ज्योति अविनाशी अविनश्वर ऐसा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना उसका नाम तत्व अभ्यास। जड़ को जड़ देखना, चेतन को चेतन देखना, राग को राग देखना, वितरागता को वितरागता रूप देखना, जो जैसा है तत्व वैसा देखना अनुभव करना जानना वेदन करना उसका नाम तत्व अभ्यास। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी। शुरुआत में तो ऐसे ही समझ में आता था कि छह डाला पढ़ना, द्रव्य संग्रह पढ़ना, तत्वा सूत्र पढ़ना, समय सार पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, इसका नाम तत्व अभ्यास है। बाह्य क्रिया तो वही है, हार्डवेयर तो वही है। मैंने कहा ना अभी ये शास्त्र अभ्यास वो हार्डवेयर है और तत्व अभ्यास वो उसका सॉफ्टवेयर। शास्त्र अभ्यास के बिना तत्व अभ्यास मनुष्य पर्याय में तो लगभग असंभव जैसा है। समझ में आया, कोई जीव विशेष ऐसा होवे विलक्षण प्रतिमा का धारी संस्कार लेके आया हो क्षयोपशम ऐसा खुल जाए, शास्त्र अभ्यास कम होवे लेकिन मूल बात उसकी पकड़ में आ जा रहे, ऐसा बहुत कम केस होता है। त्रेंच आदि में भी शास्त्र अभ्यास नहीं होता लेकिन
तत्व अभ्यास उसको हो जाता है। मनुष्य गति में तो जिनवाणी शरण भूत है भाई, इसमें तो है ना वो पंडित साहब का, मैंने वहां कई दफे गया मुनई में, क्या है वो, इस दशम पंचम काल में जब देव गुरु का हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार। माता जैसा उपकार कर, जिनवाणी माता है ना, देव गुरु नहीं है तो जिनवाणी माता शरण भूत है, लेकिन क्षयोपशम में शास्त्र ज्ञान की धारणा हो जाना वो तत्व अभ्यास नहीं है, ये कहना है। वह न ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि वो महात्म नाही। इसका अर्थ क्या है, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर उसको ज्ञान रूप अनुभव करना, उसमें गेय नहीं मिलाना, गेयाकार की दृष्टि से ज्ञान को नहीं देखना, ज्ञान मात्र की दृष्टि से ज्ञान को देखना, उसका नाम ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभ्यास शास्त्राभ्यास करे मन माही ऐसा नहीं लिखा, और ज्ञान में गे दिखाई देता है, ज्ञान में गे की प्रतीति होती है, उसको ज्ञान का अभ्यास नहीं है, उसको गेयाभ्यास है। अपन कहते हैं ज्ञान बहुत बढ़ गया, बहुत विशाल ज्ञान, खेमचंद भाई ये तर्क दिया करते थे, बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, उस समय जो विषय चलते थे ना, इन सब का ज्ञान कर लिया, मेरा ज्ञान बहुत बढ़ गया। मूर्ख, ज्ञान तो जितना क्षयोपशम है उतना ही है, गे बढ़ गया। बोलो ज्ञान बढ़, पहले हम छह डाला अकेली जानते थे, फिर तत्वा सूत्र भी जानने लगे, तो ज्ञान बढ़ा के गेय बढ़ा, ग्रंथ बढ़ा ना, ज्ञान में गेय का बोझा बढ़ गया ना। तो जिसे ज्ञान में गेय की प्रतीति होती है वो गेयाभ्यासी है, समझ में आया, उसको गेयाकार ज्ञान में ज्ञान का अनुभव आता है, इसलिए वो गेयाभासी है, ज्ञानाभासी, ज्ञान अभ्यासी नहीं, वो तत्व अभ्यास ही नहीं है, क्योंकि उसने एक तत्व में ज्ञान तत्व में गे तत्व को मिला दिया, इसलिए वो तत्व अभ्यास ही नहीं है। तत्व अभ्यास ही गे को गे में रखे, ज्ञान को ज्ञान में रखे, इसका नाम तत्व अभ्यास। बहुत विचार करने लायक बात है, आते हैं जिन इसमें पूरी आत्मानुभूति की प्रक्रिया इसके अंदर समाई हुई है। तत्व अभ्यास ऐसा करना कैसा, उसका जवाब दूसरी पंक्ति में, तत्वाभ्यास हुआ कि नहीं ये पता कैसे चले, कौन कंफर्म करेगा, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख ली, समझ में आया, ये तत्वाभ्यास का फल है, ये है तत्व अतिंद्रिय आनंद प्रकट हुआ, ये तो तत्वाभ्यास का समझ लो पूर्णता है, साधना की पूर्णता है, लक्ष्य है उसका। तो हाँ, पर संशय विभ्रम मोह का नाश हो जाए, आप लख लीजिए, अपने में अपनापन अनुभव करना, समझ में आया, ऐसा संशय विभ्रम मोह, ये तो सम्य मिथ्या ज्ञान के दोष है ना, संशय विभ्रम अनध्यवसाय, इसलिए इससे रहित जो निर्मल सम्य ज्ञान प्रकट होता है, भेद विज्ञान प्रकट होता है, आत्मज्ञान प्रकट होता है, समझ लो उस जीव ने तत्व अभ्यास किया, और आत्मज्ञान नहीं होवे, संशय विभ्रम अनध्यवसाय का नाश नहीं होवे, तो उसने शास्त्र ज्ञान किया, आत्मज्ञान नहीं किया। शास्त्र ज्ञान जुदी चीज है, आत्मज्ञान जुदी चीज है, समझने लायक बात है भाई है। बाकी तो प्रेरणा है मनुष्य भोग की दुर्लभता की है, बहुत बढ़िया ये भी बात। यह मानस पर आय सुकुल सुनी वो दिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समान। वा मानुष पर्याय सुकुल मनुष्य भी हो जाए और ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए जहाँ मध्य मास का सेवन है ना, वो पुण्य पाप अधिकार में कहा था ना, एको दूरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात्, वो संस्कृत में बहुत जोरदार है, एको दूरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात्। मंदा क्रांत छंद है, शास्त्राभ्यासो जिन पति नुति संगति सर्वदाय। अभी वहां मुनई में गुरुदेव का छह डाला का प्रवचन लगाया, आधा घंटे डेली छह डाला का प्रवचन लगाया, तो उसमें क्या हुआ कि सोरठा का जब गुरुदेव ने वर्णन किया ना, तो 10 मिनट ये सोरठा है, और उन्होंने एक गुजराती का सोरठा सुनाया, जैसे ये सोरठा है वैसे ये सोरठा, मतलब उनको भी इसका रस चढ़ा है, ये ऐसा छंद है, तीन भवन में सार है, देखो इस चित्र में ऐसा बनाया है, ऐसा दिखाया। आप सुनो, छह डाले के प्रवचन
इस दृष्टि से तो सुनो ही कि गुरुदेव किस पंक्ति का क्या अर्थ करते हैं, लेकिन इसके साथ में भी वे इतने सरल विषय को किस ढंग से रोचक और रसप्रद बनाते हैं, वो कैसे उसका विस्तार करते हैं। ये मानस पर्याय ऐसा आया उसे शास्त्राभ्यास मंदा क्रांत उससे से मुझे याद आया, एको दूरात त्यजति मदिराम, सरल है, मदिराम दूरात त्यजति, मदिरा को दूर से ही छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? पुण्य पाप अधिकार का पहला कलश है ब्राह्मणत्वाभिमाना, हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे ये गलत काम कर सकते हैं, हम तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते, दूर से ही छोड़ता है, पकड़ा ही नहीं तो छोड़ा क्या, ये दूर से ही छोड़ता है, समझ में आया, उसका नाम नहीं सुनना चाहता है। लेकिन दूसरा, अन्य शूद्र स्वयं अहम इति स्नाति नित्यम तयैव, उसमें नहाता है, स्नाति स्नान करता है, उसको शराब का इतना शौक बचपन से ही है, बाप पीता है, माँ पीती थी, सब वही का धंधा होता था, शराब बनती थी, समझ में आया, तो वो बचपन से ही उसको उसमें दुर्गंध या उसको कोई ऐसा नहीं आता है, तो वो ऐसा उसका नशे का आदि है कि नशा ही नहीं चलता, उसमें ही ना आता। और तर्क क्या देता है? अन्य शूद्र है स्वयं अहम, हम तो शूद्र हैं, तो हमको क्या दोष, ब्राह्मणों को दोष लगे तो लगे, समझ में आया, हमारा तो धर्म है, हमारे तो कर्म है, हमारा तो काम ही ये है, रोज का काम है, तुमको तो एक घूंट में चढ़ जा रहे, हम तो 6 बोतल पिए तो भी होश में ही रहते, तुम क्या बात करते हैं ऐसा। स्नाति नित्यम तयैव, उस तया तया मतलब उस शराब से ही रोजाना नहाता है, नित्यम रोजाना, गर्मी में 2 टाइम नहाता होगा, समझ में आया, ऐसा है भाई। ये इसलिए बात आई, ऐसे कुल में पैदा हो जा रहे, उसको जिनवाणी सुनने का अवसर कम है, मूल बात तो ये है, ये तो इसका है ना, मानस पर्याय सुकुल है, उत्तम कुल, जैन कुल में जन्म लेवे बहुत दुर्लभ चीज है। देखो दुनिया में आज 6.5 अरब लोग हैं, 650 करोड़ है, कितने लोगों को ये तत्व सुनने मिलता है, और सुनने भी मिले तो ऐसी लगन कि हाँ ये समझने लायक है, सुनने लायक है, ये भवांतकारी विद्या है, भव का अंत करने का अवसर मिला है, ऐसा ऐसी प्रेरणा लायक बात उसको कहाँ अंदर में ये बात आती, एक तो सुने नहीं, बोले तो वाणियां नवरास नहीं मिले है, वाणियां को नवरास नहीं मिले, धंधा पानी व्यापार सारे दिन कहते ना करोड़ रुपया इकट्ठा किया, पाप ना किया, खूब खूब गुरुदेव के हृदय में तत्व ज्ञान जैसा उनकी बुद्धि में उनके ज्ञान में समा गया, उनका ज्ञान स्वरूप बन गया, वैसे ही वैराग्य उनके जीवन का स्वरूप बन गया है, कितनी करुणा कितना वैराग्य, जरा भी तत्व की मुख्यता की बात 10 मिनट चले रहे, वाणिया ने नवराश नहीं मलती, बखत नहीं मलती, आ तो अंदर की बात हो छे, ऐसी बात है भाई, कितना बहुत मलगा तो कितना बोला, ऐसा है ऐसा है, मैं इतना लाख खर्च किया, मैंने तो कह दिया इसमें धर्म नहीं है भाई, इसलिए तो मैंने उस दिन कहा था गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता यह कि किसी को खुश करने के लिए एक शब्द नहीं बोला जीवन में, किसी को राजी करने के लिए एक शब्द नहीं बोला, लोग उनकी बात सुन के राजी हो गए वो लोगों की योग्यता, समझ में आया, वो उनका समझ लो तत्व ग्रहण करने की क्षमता, सामने वाले सेठ को खुश रखना है इसलिए ये बात कहो, ये कहां गुरुदेव और कहां अपन उनके शिष्य है, समझ कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया, उनका उनके विरोधियों के प्रति कैसा भाव, हमारा कैसा भाव, उनका दूसरों के प्रति, मतलब तो कितनी निरपेक्षता समाज, ठीक है अपन उन जैसे निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं लेकिन एक मर्यादा तो रह ही सकती है ना, है मक्खन लगाने की भी हद तो होती है ना, है सेठियाओं को पंडितों को हमेशा पंडित जी कह के बोला और सेठियाओं के सेठ ऐसा करके बोला, मानस पर्याय सुकुल उत्तम कुल, वो कुल मिले उत्तम, नहीं तो दलित को तो कोई नीच आदमी को मंदिर आने नहीं देवे ना, पहले तो ऐसा था ना बहुत, फिर बाद में कानून बदल गया, अभी तो सबको अधिकार है, आप किसी को रोक नहीं सकते,
मैनेजमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन दर्शन करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। जिस पद्धति से आपके यहाँ है उस पद्धति से कोई भी दर्शन कर सकता है, है? है? हाँ, गुरुदेव के व्याख्यान में आता था ये, उसको ऐसे तो कितने होते हैं, बहुत दुर्लभ अवसर मिले। बाकी तो उसका भाव ही नहीं आवे ना, जो उस कुल में पैदा हुआ है उसका खान पान, रीति रिवाज, बोलचाल, शिक्षा, संस्कार सब ऐसे कि उसको कभी जिंदगी में तत्व की बात सुनने का ही अवसर नहीं मिले। भाव ही नहीं आवे कि ये क्या कहते हैं, क्या क्या बात है। सुनी वो जिनवाणी उत्तम कुल, और ये जिनवाणी का श्रवण ये तो अमृत अमृत चीज है। आज कहा था ना अमृत बरसाया है, ऐसा कोई एक वाक्य आया है, भव का अंत करने के लिए अमृत इकट्ठा किया है आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य ने। ये विधि गए ना मिले, बहुत सुंदर है ये रीते। कौन सी विधि, जिस तरीके से हम इस दुर्लभ मनुष्य भव को गमा रहे हैं। ऊपर लिखा है दुर्लभ मनुष्यत्व पाकर भी जो विषयों में रमण करते हैं वे भस्म के लिए दिव्य रत्न को जलाते, राख ने माटे रत्न ने वाले से। सोनगढ़ में इस साइड में लिखा है राख ने माटे रत्न ने वाले से। अपन क्या कर रहे हैं बताओ, थोड़ा बहुत यहाँ सुन लिया वो तो ठीक है, लेकिन विषय कसाई की रुचि कितनी घटी, उसका रस कितना टूटा, उसका वलन कितना ढीला पड़ा, उसकी होश कितनी कम हुई, ये सब अपने अंदर विचारने की बात है। हर एक को अपना अपना स्वरूप, पर्याय का भी और द्रव्य का भी है, दोनों स्वरूप ज्ञान में विचार करना चाहिए। तत्व ज्ञान का फल जीवन में तत्व रुचि वृद्धिंगत होती जाए, ऐसा आता है सूत्र पावन में, जैसे हरड़ होती ना हरड़, वो पेट का विरेचन कर देती, पेट के रोग का मल का विरेचन कर देती है, मल ना मल को निकालती है। ऐसे जिन वचन जो हैं वो ऋषियों की रुचि का विरेचन करने वाले सूत्र पावन में है, जिन वचन जिन वचनामृत वो विषयों की रुचि को जैसे विरेचन वो मल निकाल दे रहे, वैसे विषयों की रुचि निकल जा रही है। और अपने पढ़ते रहे और विषयों की रुचि भी बनी रहे, पुष्ट होती रहे, तो ये है भस्म के लिए दिव्य रत्न को। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का है, बोधि दुर्लभ भाव में कार्तिकीय अनुप्रेक्षा। ये विधि गए ना मिले है, धंधे में पानी में देखो, वास्तव में देखा जाए तो धंधा पानी में भी जीव का उतना नुकसान नहीं होता जितना कि मानसिक राग द्वेष से जीव करता है। ऊपर आप देखना जहाँ पे ये इस साइड में बलभद्र भगवान की है ना प्रतिमा, इस साइड में ये साइड में है, वहां पे एक वो कपड़े के ऊपर लिखा हुआ है एक स्लोगन लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया स्लोगन है। ये जीव विषय कसाई की क्रिया में उतना पाप नहीं बांधता, आत्मानुशासन में आया था ये, विषय कसाय भोगने में उतना पाप नहीं बांधता जितना तृष्णा में और व्यर्थ के राग द्वेष में बांधता है मानसिक। समझ में आया, खाना तो है चार रोटी और तृष्णा है सोने की थाली होना और ये होना और सब वैभव होना और सबको पता होना, उसका प्रदर्शन होना, उसमें मारा जाता है। क्रिया में तो करने की सक्रिया से तो एक तो बंद होता ही नहीं, लेकिन उस क्रिया के अनुसार जो परिणाम है उससे भी मंद बंद पड़ता है। खाने पीने में विषय भोग भोगने में उतना नुकसान नहीं है, इसका उदाहरण भी उसमें बहुत बढ़िया आया था। ये जीव भोजन करने से रोगी नहीं होता है, ये अति भोजन से रोगी होता है। समझ में आया, भोजन डॉक्टर भी कहते हैं आप सब खाइए मर्यादा में खाइए, भूख से कम खाइए। आज के अखबार में आया था भोजन आधा उम्र दुगनी, ऐसा है भोजन भूख से आधा करो उम्र दूनी हो जाएगी। ये उपदेश की शैली है, ये दूनी मतलब आप अच्छा जियोगे, सुख से जियोगे, स्वस्थ जियोगे। हम कहते मान लो 80 90 100 साल तक भी जिया और 75 साल से ही रखड़ते 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 25 साल ऐसे गमाए के जैसे कि कोई मिले कि नहीं मिले, क्या मतलब रहा उसका। लेकिन अगर कम जिए लेकिन अच्छा जिए तो उम्र दुगनी हो ही गई ना उसकी तो, समझ में आया। ऐसा है भाई, भोजन से रोगी नहीं होता है, अति भोजन से अजीर्ण होता है। ऐसे विषयों से उतना पाप नहीं बनता है नरकादि जाने लायक, तृष्णा से नरकादि जाने लायक पाप बनता है।
बहुत सुंदर बोल आया, ए विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदरी समानी। वाह, समुद्र में जैसे कोई मणि फेंक देवे डूब जावे खो जावे, गई तो गई, अब तो कौन कहां मिलने वाली है वो दोबारा। ऐसे 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 80 हो गए, मधु भाई कितना हुआ, 75 मधु भाई तो अच्छा बीता, संतोष करने लायक। हमारे पार्टनर जी पता नहीं क्यों ऐसा बहुत भूला कर, अरे हमने अपना कुछ नहीं किया। मैं कहता मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आपने सारी जिंदगी इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। हमने तो जब से आपको देखा सन 1970 में जब विदिशा में दूसरा प्रशिक्षण शिविर लगा था, तब से हम पाटनी जी के और डॉक्टर साहब के समागम में आए थे, समझ लो जयपुर संस्था का तब से समागम हुआ था 1970। तब से पाटनी जी को देखा तो बराबर, पहले तो आगरा रहते थे, धंधा व्यापार भी करते थे कितने वर्ष, तो फिर वो जयपुर आके ही रहने लगे। और बराबर सौभागमल जी आते थे तो दोनों भाई बैठ करके पर्सनल बैठ करके स्वागत करते थे। मेरे को बड़ी खुशी होती थी, देखो दोनों भाइयों में कितना प्रेम कि परस्पर बैठ करके दोनों भाई मिलकर के एक साथ स्वाध्याय करते। और खूब उन्हें अंत में अपना उपयोग को सूक्ष्म करने के लिए सुखी होने का उपाय वो पुस्तकों की सीरीज भी निकाली, फिर भी पता नहीं उन्हें कुछ कमी ऐसी महसूस होती थी। और ऐसा है ना, बड़े आदमियों का लक्ष्मी ऊंचा रहता है तो उस हिसाब से वो सोचते हैं। एक पान वाले ने मान लो साल में 50,000 कमाए तो बहुत कमाया, और अनिल अंबानी को 5 करोड़ भी कमाए तो क्या किया, उसमें क्या रखा है, 5 करोड़ कोई चीज है उसका, ऐसा होगा उनका स्टैंडर्ड। ऐसा है, ये विधि गए न मिले सुमणि ज्यों उदरी समानी। इस तरह से विषय कसाय में, पर की निंदा में, दूसरों को नीचा दिखाने में, कैसे जीव के परिणामों किसमें, हमारा समय किसमें जाता है, कौन से परिणामों में हमारा टाइम जो है वो जा रहा है, ये हमें अपना अंतर अवलोकन करना चाहिए। हैं, किसका किसी का बुरा चाहने में, किसी का भला चाहने में, अधिकांश तो कर्तापने के रस में, ये किया है ये करना है ये होने नहीं देना है, समझ में आया। बस इतने 3 सूत्र में इतना हमने किया, इतना काम और करना है, और ये काम तो किसी हालत में होने नहीं दी, देखें कौन करता है। जो अनिष्ट है वो होने नहीं देना है, जो इष्ट है वो करना है, थोड़ा हो जाए तो मैंने किया। कर्ता अपने की वासना, कर्तत्व का रस, मोह का ही रूप है ये सब। शराब के नशे से भी ज्यादा तीव्र नशा कर्तापने के रस का है। इसी गए तो कर्तापने के रस में, अज्ञान के रस में, समझ में आया, पुण्य भाव की रुचि में, पाप भाव की रुचि में, विषय कसायों के रस में, ये सब निकालना। ये विधि गए, इस तरीके से मनुष्य भाव जाएगा तो क्या होगा, सुमणि ज्यों उदरी समानी। जैसे समुद्र में मणि चली जाए तो मिलना मुश्किल है, वैसे ही न मिले, ये विधि गए न मिले तो पीछे नहीं मिले। देखो इसका भावार्थ पढ़ते 102 पेज पर है। आत्मा और पर वस्तुओं के भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिन देव द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्वों का पठन पाठन करना चाहिए, बात तो व्यवहार से होता है, भगवान के कहे हुए। अभी प्रश्न उठाई, अपने को पता कैसे चलेगी भगवान का कहा हुआ है, भगवान का नाम तो लिखा नहीं, तो लिखने वाले सब भगवान का नाम लिख भी देते, भगवान अपने हाथ से थोड़ी लिखते है, तो कैसे पता चले। भेद विज्ञान और वितरकता का पोषण करने वाला अभिप्राय है तो वो जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ तत्व है, और अगर भेद विज्ञान और वितरकता का पोषक अभिप्राय नहीं है तो वो जिनेन्द्र का कहा हुआ तत्व नहीं। इतना फार्मूला लगा ले, संशय विपर्य तथा अनद्य वसाय, ये सम्यक ज्ञान के 3 दोषों को दूर करके आत्मस्वरूप को जानना चाहिए, समझ में आया। संशय रहे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि नित्य है कि अनित्य है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या स्यादवाद है क्या अनेकांत है, उसको आत्मा नहीं मिलेगी। पहले अनेकांत स्वरूप वस्तु का यथार्थ निर्णय करे, इसे सम्यक एकांत ऐसे ज्ञायक भाव त्रकार अखंड एक शुद्ध नय का विषय उसमें अपनापन करे, क्योंकि जिस प्रहण
सम्यक ज्ञान के तीन दोष मतलब ये तो कहने की शैली है, दोष तो मिथ्या ज्ञान रूप है, ये हो गए तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ये दोष सम्यक ज्ञान को रोकते, जैसे सिर दर्द की दवाई बोलते ना तो उसका मतलब सिर दर्द दूर करने की दवाई, ऐसे सम्यक ज्ञान के दोष मतलब जिनके दूर होने पर सम्यक ज्ञान होता है। सही कहता हूं, ऐसी चलिए सम्यक ज्ञान के दोष, सम्यक के आठ अंग आठ दोष, ऐसे सम्यक के कहे 25 दोष पहले आया था, सम्यक दर्शन के 25 दोषों का वर्णन। अरे भाई ये दोष तो मिथ्या दर्शन में होते हैं, इसमें एक कुछ प्रकरण ऐसा भी आया था, कोई दोष तो ऐसे हैं कि वो उनके होते हुए सम्यक हो ही नहीं सकता, देव मूर्ता गुरु मूर्ता लोक मूर्ता, कोई दोष ऐसे हैं कि निशांकित निकांक्षित इत्यादि कम हुए तो भी सम्यक होता है, शंका आदि पड़े तो थोड़ी मलिनता। पर उसको मैंने अनंतानबंदी में और अप्रत्याख्यानी वगैरह में भी उसको वर्गीकरण किया था, ये दोषों का आई थी ना चर्चा अपने, कौन कौन सी बात आती है और फिर निकल जाती है, फिर अपने की धारणा में से निकल जाती है ये बात की, जब चलती है तो सब समय चिंतन में सब बात आ जाती है। समझ में आया, सम्यक ज्ञान के तीन दोष यानी जिनके होने पर सम्यक ज्ञान दूषित होता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे इन्हें दूर करके आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रत्न हाथ में नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण आदि सुयोग भी बीत जाने के बाद पुनर्प्राप्त नहीं होता। अरे तेरी इंद्रियां शिथिल हो जाती, कानों में सुनाई नहीं पड़े, बिल्कुल स्पीकर के पास बैठे तो भी सुनाई नहीं पड़े, तो स्पीकर खराब हो जाए, लाइट बंद हो जाए, कितनी बाधाएं। वास्तव में वो लास्ट में एक पंक्ति बहुत बढ़िया आती है ना, वो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित कर, रोग नहीं आवे शरीर में, रोग आक्रमण करे उसके पहले ही तू अपना काम कर ले, अब रोग को आना होता तो आने दो, देखेंगे निपटेंगे, हम तो बैठे अपनी मौन से। समझ में आया, ऐसा अद्भुत स्वरूप है, इसलिए ये अपूर्व अवसर न गंवा कर आत्म स्वरूप की पहचान करके ये मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। मनुष्य जन्म की सफलता अपना एक अखंड चैतन्य ज्ञायक स्वभाव में हूं ऐसा अनुभूति प्रकट हो जाए, उसको तो मोक्ष ही हो गया मानो, बाकी अब संसार है, संसार वारी गिरी चुलक प्रमाण चुल्लू भर संसार बचा, भले 10-15 भव हो गए उसकी क्या कीमत है, अनंत भव के सामने 10-15 भव की क्या कीमत है, उसका तो संसार पार ही हो गया। इन लोगों को तो ऐसा लगे बहुत नाम हुआ, बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत समझ लो सेवा करी समाज की, दान दिया, मंदिर बनाया, शास्त्र लिखे, शास्त्र पढ़ा पढ़ाया, ये मनुष्य भव की सफलता का मापदंड नहीं, सफलता का मापदंड तो ये है। संशय पर्याय अनंत व्यवसाय की इसमें परिभाषाएं दी हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे और सातवां छंद पढ़ेंगे, अभी का समय हो गया।